Hello students, how are you all? I hope you all were good. So as in the previous video, I already told you about vegetarians and non-vegetarians. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था about raw food and cooked food. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था about water. Then we started about good food habit. ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये चैप्टर समझा दिया था. मैं अब इन तीन टॉपिक्स को आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, फर्स्टली आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द लेसन, क्लास वर्क, डेट इज 20 ठीक है, ये हो गई डेट. देन लेसन नंबर 3 अबाउट फूड. सो हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ वेजिटेरियंस कौन होते हैं. Vegetarians people who तो people who do not eat fish, eggs, meat are called vegetarians. जो लोग fish, eat, eggs, milk ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं वो vegetarians होते हैं. मैं आपको वो draw करके भी दिखाती हूँ. मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है. मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. क्योंकि वेजिटेरियंस आप लोग ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके समझा रही हूँ. कि आपको ये वेजिटेरियन थाली दिख ही रही होगी, जिसमें ये लड़की रोटियां खा रही है, सब्जी है, दही है और दाल है. ठीक है, इसके साथ एप्पल और राइस भी है. ठीक है, तो ये वेजिटेरियन लोग हैं जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, फिश, एग, मीट, ये सब जो होते हैं जिसे हम मांसाहारी भी कहते हैं. तो जितना भी मांस का सामान होता है या एनिमल्स के जो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है, वो जो लोग नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इसको कलर करके भी दिखाती हूँ. सो ये आपका हो गया वेजिटेरियन पीपल. ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा. इसकी थाली में आपको दिख रहा होगा मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है. ये दही है, दाल है, दाल जिसे पल्सेस कहते हैं, सब्जी है, वेजिटेबल्स, राइस है, स्पून है, चपातीज और एप्पल है.
तो ये हो गई वेजिटेरियन थाली, मीन्स वो खाना जिसके अंदर मांस मच्छी ये सब नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको नॉन वेजिटेरियंस बताती हूँ। तो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वेजिटेरियंस, ठीक है, नॉन वेजिटेरियंस कौन कौन होते हैं? पीपल हु ईट फिश, एग्स, मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। क्लियर है? जो लोग नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। आपको इसकी थाली में दिख रहा होगा कि ये क्या क्या खा रहा है। इसकी प्लेट में है चिकन पीस है, और सॉरी मी जो भी हो मीट है शायद, और ये है फिश, और ये है एग्स। आपको दिख रहा होगा योक पार्ट है और वाइट पार्ट है। ठीक है, तो ये एग्स फिश मीट सब खा रहा है, तो ये कौन होगा? ये हो जाएगा आपका नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन है, क्यों? क्योंकि ये फिश एग मीट सब कुछ खाता है। ठीक है, ये आपका दोनों का डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने बात करी थी कुक फूड और रॉ फूड, है ना? तो रॉ फूड क्या होता है? रॉ मतलब होता है आपका कच्चा। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। रॉ फूड में आपको सारी सब्जियाँ, और देखिए दिख रही होगी कच्ची है, लेडी फिंगर है, टोमेटो है, पोटैटो है, चिली है, पम्पकिन है और कॉलीफ्लावर है। तो ये सब कच्चा है। तो मतलब कि लोग, जैसे पहले के ज़माने के लोग कच्चा खाना ही खाते थे, तो उन्हें पता नहीं होता था कि हमें खाना पका के भी खाना है या पकाने के बाद खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कच्चा खाना ही खाते थे रॉ। अब जैसे इस ये वेजिटेबल्स हम रॉ खाते हैं, उसी तरह हम फ्रूट्स भी रॉ खाते हैं। फ्रूट्स को तो पकाते नहीं है, बनाने को पका के तो नहीं खाते होंगे आप लोग, है ना? तो कुछ ऐसे रॉ फूड होते हैं। ठीक है, अब कुक्ड फूड कौन सा खाना होता है? जो हमारी प्लेट में होता है, मींस जो मम्मी घर में पकाती हैं। जैसे कि दाल, आप दाल कच्ची नहीं खाते ना, पका के खाते हैं। दही, सब्जी, है ना, ये सारी चीज़ें पकी हुई होती हैं। जैसे कि छोले पके हुए होते हैं ना, आप कच्चे तो खाते नहीं हैं। रोटी आटे से बनती है, पकी हुई होती है ना? तो ये क्या है? ये आपका कुक्ड फूड है। क्यों? क्योंकि ये मम्मी ने पकाया है। किस पे पकाया है? फायर पे पकाया है। फायर मतलब आग पे पकाया है। आपके घरों में तो गैस होगा, तो मैं यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको इसको कलर करके दिखा। तो ये हो गया आपका कुक्ड फूड, जो कि आग पे जलाकर पकाया जाता है। ठीक है, तो ये कुक्ड हो गया, ये रॉ हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें भी डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम आते हैं वाटर पे। इन दिस वी हैव टू, मैंने आपको कल बताया था कि कितने ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए, 6 to 8 glass। तो इसलिए मैंने 8 glass ड्रॉ करें, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों हम लोग इतना पानी पीते हैं? क्योंकि इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है? हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खाना पच जाना। वो कैसे पचेगा, वो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्ची है ये पानी पी रही है। क्यों पी रही है? क्योंकि ड्रिंकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये
हमारे खाने को प्रॉपरली तरीके से डाइजेस्ट करता है, और जितने भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है या अनडाइजेस्टेड खाना होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट गुड हैबिट्स, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब आपका होमवर्क है दैट डू टिक द फूड वी कुक एंड क्रॉस द फूड वी ईट रॉ, ठीक है। जो खाना हम पका के खाते हैं और जो उसमें टिक लगाना है, और जो हम खाना कच्चा खाते हैं उसे क्रॉस लगाना है, ठीक है। आपको ये पेज नंबर 19 पे एक्सरसाइज ई दी हुई है, ठीक है। इसको आपको बुक में फिल करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।